हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सीएफटीवी की, जो द चनक्या डायलॉग हिंदी है। तो ये मेजर गौरवारिया सर का खुद का चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कीजिए। प्लीज़ मेजर गौरवारिया सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो जो इन्होंने वीडियो बनाई है इसका इन्होंने टाइटल दिया हुआ है अमेरिका जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, भारत ने की सबकी चाबी टाइट। तो ऑब्वियसली आपने मेरे सीएफटीवी की पहले ही मैंने वीडियो बोली है, अगर मैंने उसमें बोला था कि अगर यूरोप भी इकट्ठा हो जाए तो क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। तो हमें भाई देखो, हमें उनकी ज़रूरत है, नो डाउट। उन्हें हमें भी ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि उनको भी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। अब बात चलो एंड में करेंगे, मैं आपको एंड में और चीज़ें बताऊंगा। तो इनका जो है एपिसोड 98 है सीएफटीवी का, मेजर गौरवारिया सर। हम वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे पेनी वॉन्ग जो उनकी इनके काउंटर पार्ट हैं जो जयशंकर साहब के वहाँ पे, तो उनके सामने कुछ बातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो थोड़ा परेशान है भारत से, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं और करी हैं जिसकी वजह से काफ़ी भारतीय ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमारे रिश्ते वेस्ट के साथ ख़राब हो गए, क्या अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब हो गए, यूरोप के साथ ख़राब हो गए, असलियत क्या है। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जर्मनी ने जो बात करी थी कश्मीर को लेके, जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी उन्होंने जो बात करी थी वो आपको पता ही हो, हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की रोशनी में देखा जाना चाहिए और वैसे सेटल होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने बोली बात। ऑस्ट्रेलिया की बात थोड़ी सी अलग है। ये बोला साहब आप ये जो दुनिया का दुख है भारत को लेके वो इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से एनर्जी ले रहा है, भारत कोयला ले रहा है और चीजें ले रहा है, तो इससे बड़ा लोगों को दुख है। और इसलिए दुख है क्योंकि उनकी लड़ाई है रशिया से। अब जाहिर सी बात है, भारत कह रहा है लड़ाई तुम्हारी, हमारा कह लेना देना, हम थोड़ा ना, हम यूक्रेन है ना हम रशिया है, ना हम यूक्रेन है ना हम रशिया है, हम कैसे, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई है, तुम चाहते हो कि हम भी लड़ भिड़े उनसे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, ये वहीं पे लोग बैठे हुए थे एक साथ, जो बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वहां पे लोगों ने सवाल पूछा कि साहब आप रशिया से इतने हथियार क्यों लेते हैं और आप रशिया से वेपन्स क्यों बाय करते हैं। मैं दो तीन चीज़ें बता, मैं फौज में रह चुका हूँ और हमने रशियन वेपन्स और रशियन इक्विपमेंट बहुत देखी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है जो कि रशियन है। जैसे कि इन्फेंट्री में हम लोग खासतौर से AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, या ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है उसका इस्तेमाल करते हैं, सब रशियंस हैं। ये मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, आपके T-72, T-90 जितने भी टैंक्स हैं आपके, या BMPs हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, ये सब रशियन ओरिजिन की हैं। अगर आप एयर डिफेंस में देखें, जो इग्ला है या ZU-23 है, इग्ला भी रशियन है, ZU-23 भी रशियन है, और भी किस्म के जितने भी ये सिस्टम्स हैं यहाँ पे, जो कि आपके रडार सिस्टम्स हैं, काफ़ी हमारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 60%, कोई कहता है 65%, कोई कहता है 70%, मुझे नहीं पता, लेकिन 60% और 70% के बीच में रशियन इक्विपमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के पास है। मिग हवाई जहाज हैं, सुखोई है, ये सब है। तो ये जो पूरा मामला है ना, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई, मैं आपको बताता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वेपन्स की फैक्ट्री डाली और ये बाद में बना ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड है कलकत्ते में, तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भारत की कैपिटल हुआ करती थी एक जमाने में, तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ईशापुर में राइफल्स बनना शुरू हुई। अब तो ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ के मुख्तलिफ अलग अलग कंपनियां बना दी गई हैं, कॉर्पोरेटाइज उनको कर दिया गया है, उनके CEOs हैं, और बेहतर मूवमेंट के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए और बेहतर एक्सपोर्ट्स के लिए उनको बनाया गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज,
एक जमाने में ऑर्डनेंस फैक्ट्री जो थी भारत की, वो दुनिया के बेस्ट वेपन्स बनाती थी और बाहर एक्सपोर्ट भी करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वेपन्स थे उसमें से बहुत ज़्यादा वेपन्स इंडिया में बने, सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी काफ़ी सारे वेपन्स इंडिया में बन के बाहर एक्सपोर्ट हुए, भारत में भी उनकी खपत थी, बाहर भी गए। वो उस समय अंग्रेज़ों का राज था भारत में, अंग्रेज चले गए 1947 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो सरकारें थी उन्होंने वेपन्स प्रोडक्शन पर वो तवज्जो नहीं दी, वो फोकस नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। एक ज़माने में ये सोच भी थी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि हमें आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है, भारत गांधी का देश है और भारत किसी से लड़ना नहीं चाहता, तो भारत में पुलिस हो जो नॉर्मल लोगों को ठीक ठाक कर सके, क्राइम देख सके, लेकिन हमारी लड़ाई करने की किसी से मंशा नहीं है और इंडिया शुड नॉट हैव एन आर्मी एट ऑल। ये एक सोच थी एक ज़माने में, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, इनिशियल डेज ऑफ इंडिपेंडेंस सोच थी। अक्टूबर में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कश्मीर, उस समय कश्मीर भारत का, यानी कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस समय महाराजा ने साइन नहीं करा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कबायली भेजे और सादी वर्दी में अपने आर्मी वाले भेजे और यहाँ पे अटैक हो गया। तो यहाँ से दो यूनिट गई, 164 कुमाऊं, वो लैंड करे, बैटल ऑफ बडगाम, मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, ये सारी कहानियाँ आपको पता ही हैं, बड़ी मशहूर स्टोरीज हैं और हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का हिस्सा है। बडगाम वो जगह है जहाँ पे आज श्रीनगर अगर आप जाएंगे तो जहाँ पे आपका जहाज उतरता है, एयरपोर्ट जो है वो दैट इज़ बडगाम, एक्चुअली बडगाम वहाँ पे है। तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी 1947-48 में। तो दोस्तों बात यह है कि फिर 1962 में चाइना के साथ जंग हो गई, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, फिर 1967 में नाथुला में चाइना के साथ बहुत मेजर एक क्लैश हो गया, और करते करते 71 आया, 71 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा, ये जो पूरा लड़ाइयों का सिलसिला चल रहा है इसमें भारत ने कोई लड़ाई शुरू नहीं करी, आपको पता, भारत ने कभी जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा कि हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर हमला बोल देंगे। भारत कभी नहीं गया, ना चाइना के ऊपर हमला बोला, ना पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला, भारत ने किसी के ऊपर हमला बोला ही नहीं। भारत ने हर समय अपनी अपनी जमीन को, अपने देश को, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी है। भारत ने कभी किसी के ऊपर जंग थोपी नहीं कि भाई हम अटैक कर देंगे और तुम ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जंग के लिए, युद्ध के लिए आपको हथियार चाहिए होते हैं, और उस समय यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि जब हमें जरूरत थी तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें शामिल यूरोप है, जिसमें शामिल अमेरिका है, जो जंगी सामान बनाते हैं और बड़े बड़े हथियारों की कंपनियां हैं जो दुनिया भर को सप्लाई करती हैं, हमें आपने हथियार देने से तो मना कर दिया, आपने हमें हथियार देने से मना कर दिया। उस समय दोस्तों क्या हो रहा था कि मैं 70s, लेट 70s अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, और मिड 80s तक भी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 80s अचानक अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में था, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में था इसलिए इनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। लेकिन पहले से जो रशियन वेपन्स हैं, इवन विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, या आप जो भी बड़े बड़े हमारे हथियारों के प्लेटफॉर्म देखें, वो बेसिकली रशियन थे, और 1979 के बहुत पहले से रशियन थे वो। शुरू शुरू में जब आजादी हुई तो लेगेसी सिस्टम्स थे हमारे ब्रिटिश टैंक के, तो वो तो सेंचुरियन टैंक्स वगैरह वो तो ब्रिटिश थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे नया नया इक्विपमेंट आया वो सारा का सारा रशियन आया। इसलिए भी रशियन आया क्योंकि इंडिया कभी रशियन ब्लॉक में था नहीं, इंडिया तो एक नॉन अलाइंड कंट्री थी, न्यूट्रल कंट्री थी, लेकिन फिर भी एक एफिनिटी थी, एक प्यार मोहब्बत थी, एक डिप्लोमेटिक रशिया के साथ एक तालमेल थी। तो वेपन्स हमने काफ़ी लिए, उस जमाने में हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, एंड इंडिया वॉज, आज की तारीख में तो इंडिया कहता है कि ठीक है हमें इतने रफेल दे दो, ये सबमरीन दे दो, ऐसा दे दो, ये चेक ले लो, क्योंकि अब पैसे पड़े हैं दुनिया भर के भारत के पास, एक ज़माने में तो नहीं थे पैसे। इसी देश में भारत में लोग भूखे मरते थे, लोग सड़कों पर सोते थे, और शीतलहर चलती थी तो दिल्ली और यूपी में कई सौ सैकड़ों की तादाद पर, मैंने खुद बचपन में पढ़ा है अखबार में कि इतने सौ लोग उत्तर प्रदेश में मर गए शीतलहर में, यूपी में शीतलहर में मर गए, यहाँ पे ये हो गया वो, दुनिया भर की चीज़ें होती थी एक ज़माने में। आपको इक्का दुक्का है कोई एक्सपोज हो गया कोर्ट में, वरना ऐसा नहीं होता आजकल, एक ज़माने में होता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे देश में। लोग कहते थे कि भारत की जो कंडीशन है हंगर की, वो सहारा
जो अफ्रीका में जो सहारा रीजन है, जो सबसे मतलब बुरा माना जाता है, एक जमाने में भारत की कंडीशन सहारा से भी बुरी थी कुछ कुछ जगहों की। फ्लड्स आते थे तो पूरा बंगाल, असम वाला एरिया, लोअर असम और ये सब पूरा भर जाते थे, हजारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाते थे। तो ये सब भारत की सच्चाई थी। उस समय जब भारत को खतरा हुआ चीन से और भारत को खतरा हुआ पाकिस्तान से, तब अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया और अमेरिका ने बोला नहीं, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। और क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिका एक डिक्टेटर को, जियाउल हक को हथियार देना उनको ठीक लगा, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी को हथियार देना उन्हें ठीक नहीं लगा। तो भारत क्या करता, भाई एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चीन है और दोनों आपके दुश्मन हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो हथियार चाहिए। तो भारत ने रूस से हथियार लेना शुरू कर दिया और धीरे 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 उन हथियार वो आए, मॉडर्न वेपन्स आए, रिप्लेसमेंट उनकी आई। और आते आते क्या हुआ कि काफी सारे हमारे हथियार के सिस्टम्स रशियन हो गए। क्या रशियन वेपन्स अच्छे हैं, हथियार अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, जाहिर सी बात है, रशियन वेपन्स आर गुड। क्या ये वेस्टर्न इक्विपमेंट से ज्यादा अच्छे हैं क्वालिटी में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक दो रशियन सिस्टम्स हैं जो वेस्ट से काफी अच्छे हैं, जैसे S-400 जो हमने उनसे लिया है सिस्टम अपना एयर डिफेंस का, दैट इज फार फार बेटर देन एनीथिंग दैट एनीबॉडी हैज इन द वर्ल्ड। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रशिया का जो मामला है वो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, फिनिश में इतना अच्छा नहीं है जितना वेस्ट का है। लेकिन हमने वेस्ट से बोला, वेस्ट ने पाकिस्तान को F-16 दे दिया, हमें नहीं दिए, नहीं दिए। उस समय अमेरिका की पॉलिसी थी, आज की तारीख में अमेरिका कहता है कि तुम रशिया से सामान क्यों ले रहे हो, क्योंकि आज सबको इंडिया के 600 अरब डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है इंडिया का, 140 करोड़ लोगों की आबादी दिख रही है, $3.5 trillion का उनको दिख रहा है कि GDP है इस मुल्क की, 5th largest इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, IT कैपिटल, IT हब ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को अब यह दिख रहा है। पर यह सब जो स्टोरी है ये तो 90s में शुरू हुई थी ना दोस्तों, ये तो जब उस जमाने की सरकार ने, नरसिम्हा राव जी उस जमाने में, आई थिंक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड मनमोहन सिंह जी वॉज, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, तब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ धीरे 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 गाड़ी ने। और ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने साइन कर दिया तो सब कुछ ओवरनाइट हो गया, उसमें ही बहुत वक्त लगा। तो आज जो भारत यहाँ पे पहुंचा है उसमें कई लोगों की मेहनत शामिल है, कई लोगों ने डिसीजंस लिए, कई लोगों ने बहुत कुछ काम करा। मोदी सरकार का इसमें मैं कई बार ये कह चुका हूं, मोदी सरकार ने सिर्फ एक काम करा कि इस पूरी चीज में जो एक रफ्तार से चल रही थी उसके अंदर मोदी सरकार ने, मोदी जी ने करंट डाल दिया उसके अंदर, मोदी जी ने यह करा है। वो जो घोड़ा 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा था 40 km/h पे, वो अब 140 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। फर्क सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, उन्होंने जो बिजली का करंट मारा है सिस्टम में, जिसकी वजह से पागलों की तरह सब चीजें चल रही हैं अभी, वो इसीलिए चल रही हैं। वो चाबी दे रखी है पीछे से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, PMO से चाबी है, और इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, प्लानिंग है, विजन है, ये सब है, वो तो होता ही है जब आप देश की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि करंट डाल दिया उसके अंदर, तो अब करंट के चक्कर में लोग भाग रहे। अब हुआ क्या ना, मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों ये मैंने आपको स्टोरी समझाई, अब लोग बड़े परेशान हो गए कि साहब भारत हथियार क्यों खरीदता है यहां से और तेल क्यों खरीदता है। भारत खरीदेगा जहां से भारत को ठीक लगता है, भारत करेगा यार। अब हम आते हैं कश्मीर पे, ये वेस्ट का कश्मीर पे बोलना और यू नो धीरे धीरे ये भारत को जिस तरीके से धक्का देने की कोशिश करना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की एक आजाद फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी की नहीं सुनते, हम वही करते हैं जो कि हमें ठीक लगता है। अब भाई ये इंडिया है, पाकिस्तान तो है नहीं, ठीक है कि जिसने $2 फेंके तो वहां पे नाचना शुरू कर दिया, ये भारत तो कभी करा नहीं। भारत ने, जब भारत में लोग भूखे सो रहे थे रात को तब भारत ने नहीं करा, तो आज पेट भरा है, आज भारत क्यों करेगा? मैं आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। ये पूरा जो वेस्ट कर रहा है इस वक्त प्रेशर डालने के लिए, कभी यहां से कमेंट आ रहा है, कभी वहां से कमेंट आ रहा है, ये सब चला जाएगा कुछ समय के बाद। तो जिन लोगों को फिक्र है उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे तो बिल्कुल फिक्र नहीं, मुझे पता है ये लोग ऐसी काम करते हैं कि हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे।
तो आज से नहीं कर रहे, 75 साल से कर रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। डोनाल्ड ब्लूम है दोस्तों पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गया, अभी तक नहीं गया था वो, ना उसका पहले वाला गया था, ये गया। और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना और ये करना वो करना, दुनिया भर की चीज़ें डोनाल्ड ब्लूम ने वहाँ पे कोशिश करी। क्यों गया? क्या अमेरिका को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कोई प्रेम है या पाकिस्तानियों से प्रेम है? बिल्कुल नहीं। ये वहाँ पे गया था भारत को मैसेज पास करने के लिए, ये भारत को मैसेज पास करने के लिए गया था, ठीक है, कि देखो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे और रूस से कट ऑफ नहीं हो जाओगे तो फिर हम कश्मीर का मामला उठाओ कश्मीर का मामला यार, अगर तुम्हारे बाप को फर्क पड़ता होगा हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कश्मीर का मामला तुम उठाओ। ये बिल क्लिंटन ने तो यहां तक बोल दिया था कि भारतीय फौज ने कश्मीर में इसको मारा उसको मारा और मुसलमानों के खिलाफ ये करा वो करा, उसने बोला क्या कर लिया तुमने यार, तुम कर क्या लोगे। ये एक्चुअली अमेरिका को आदत है पाकिस्तान जैसे देशों की, जो कटोरा लेके आगे पीछे फिरते रहते हैं, बोलते हैं माई बाप बताओ क्या करना। भारत तो ऐसा है नहीं, हमें तो आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें अमेरिका से पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, हम अपना खुद कर रहे हैं जो हमें करना है, तो हम तो अपनी चाल चलेंगे, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो ठीक है। तो एक तो भाई डोनाल्ड ब्लूम का मामला हो गया, ठीक है ना। तो ये बोला कि यूएस एम्बेसी ने फिर फॉर्मल स्टेटमेंट दिया कि द विजिट वॉज टू प्रमोट द यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप एंड हाईलाइट द कंट्रीज इकोनॉमिक कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। पाकिस्तान के साथ क्या इकोनॉमिक टाइज है जरा मुझे कोई भी अमेरिकन या पाकिस्तानी समझा दे। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ब्लूम साहब ये कहते हैं, जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि मैं गया था वहां पर प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक टाइज। क्या इकोनॉमिक टाइज है आपके पाकिस्तान के साथ? 2 रुपए का आइटम पाकिस्तान बनाता नहीं, गाड़ी में विंडशील्ड का वाइपर पाकिस्तान नहीं बनाता, क्या इकोनॉमिक टाइज है? क्या कल्चरल टाइज है? वो तुम्हें काफिर कहते हैं, वो कहते हैं तुम काफिर हो जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारी कल्चरल टाइज क्या है? तो ये कोई बात नहीं है इसकी। पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक तरफ इनके अफगानिस्तान है, एक तरफ इनके ईरान है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है। अगर ये सब मुल्क यहां पे नहीं होते इनके पास, तो पाकिस्तान को कोई भूला भटका आदमी नहीं पूछता, ये बात सच है। तो डोनाल्ड ब्लूम का ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। हाल ही में इलान उमर है कांग्रेस वुमन जो आई थी, खैर ये भी रेडिकल इस्लामिस्ट है और इसने जाके पाकिस्तान में काफी आर्टिकल 370 और 35A और ब्ला 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 इसके ऊपर काफी उसने स्टोरी सुनाई। इमरान खान से मिली और ट्रैक सूट पहन के मिला था इमरान खान उससे, टी शर्ट और ट्रैक सूट पहन के। कहने की बात यह है कि ये कोशिश कर रहे हैं प्रेशर डालने का, और ये आज से नहीं है, जब से भारत ने तेल लेना शुरू करा है रशिया से यूक्रेन वॉर के बाद, फरवरी में हुआ था ना आपको याद होगा, फरवरी 24 तारीख को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 24th of February जब रशिया ने इन्वेड करा था, तब से। और भारत ये कह रहा है यार देखो सुनो, भारत इस चीज को कंडेम कर चुका है कि सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, ये चाहते हैं कि भारत बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। जर्मनी को क्या खुजली हुई? जर्मनी को सबसे बड़ी खुजली हुई कि जब, क्योंकि असली में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन है यूरोपियन यूनियन में या पूरे यूरोप में? सबसे ज्यादा लोग कहां पे? जर्मनी में है। सबसे ज्यादा रशियन तेल की खपत कहां होनी है? वहां से होनी है। पाइपलाइन कहां से जाती है? जर्मनी से जाती है। तो जब वॉर की वजह से वो पाइपलाइन इफेक्ट हुई, जर्मनी तेल में ला गया। अब जर्मनी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारत क्यों कंडेम नहीं कर रहा। भारत के कंडेम करने से क्या होगा यार? भारत, चलिए भारत कह देता है कि पुतिन बहुत बुरा है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? अमेरिका के प्रेशर से पुतिन रुक गया, पूरे यूरोपियन यूनियन के प्रेशर से पुतिन रुक गया, यूनाइटेड नेशंस में जितनी डिबेट हुई उससे पुतिन रुक गया, तो क्या भारत के कहने से पुतिन रुक जाएगा? ठीक है, आप चाहते हैं भारत स्टेटमेंट दे, भारत ने बोला कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, मोदी जी ने बोला वहां पे कि लड़ाई इसका समाधान नहीं है और इस युग में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बोला। ये इससे ज्यादा क्या बोलेगा कोई भी इंसान? क्या बोलेगा मोदी जी? ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी इंसान इससे ज्यादा क्या बोलेगा? तो ये सब चीजें जो है ये इन्होंने अभी कहते हैं कि बर्लिन जो फॉरेन मिनिस्टर थी जर्मनी की, जब उसकी बात हुई एनालिना बाबॉक, उसने बोला कि बर्लिन हैड अ रोल रिगार्डिंग कश्मीर। जर्मनी का क्या रोल है आपका यार? आ जाओ, फौज भेज दो अपनी, ले जाओ भारत से कश्मीर, तुम्हारा रोल है तो रोल अदा करो फिर अपना। कश्मीर में रोल सिर्फ भारत का है, कश्मीर में रोल पाकिस्तान का भी नहीं है।
ये दुनिया जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी दुनिया के लिए अच्छा है। दोस्तों उसके बाद ये जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने हर समय प्रायोरिटाइज करा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया का हो जाए, और ये चीज इन लोगों को पसंद नहीं आ रही। दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये जो पूरा वीडियो जो मैंने आज बनाया ना, इसका सिर्फ ये निचोड़ा, ये आपको बताने के लिए कि देखिए ये सब चीजें टेम्पररी हैं, ये टेम्पररी हैं। पाकिस्तान से इनको ज्यादा लाभ तो होगा नहीं, लाभ तो भारत से ही है। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं एक्चुअली देने के लिए। मैं फिर से आपको बात बता रहा हूं, अभी तक जो भी उन्होंने हेल्प करी है पाकिस्तान की आज तक, वेस्ट ने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें अफगानिस्तान में कुछ चाहिए तो पाकिस्तान वो काम करवा के दे देगा। पाकिस्तान के खुद के लिए कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अमेरिका ने इतने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए, आप इनसे ये पूछे ना कि तुमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी पाकिस्तान में, तुमने पैसे कितने लगाए पाकिस्तान में, नहीं, सारा एड है, एड का पैसा है, सारा फ्री का मुफ्त का डॉलर है, कंटेनर दर कंटेनर अरबों डॉलर दे दिए पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था। इनका मामला, इनकी स्टोरी सिर्फ इतनी है और इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है इसकी। तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि ये जो पूरा मामला है, ये जो भी मामला है पूरा जो अभी चल रहा है कि हम भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, हम भारत के ऊपर ऐसा करेंगे, कश्मीर का नाम लेंगे तो भारत थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। बड़ा टेम्पररी सी चीज़ है, ये भी खत्म हो जाएगी। और भारत ने तब प्रेशर नहीं लिया जब भारत के पास कुछ नहीं था। आज तो ऊपर वाले की दुआ से इतना कुछ है भारत के ऊपर, तो भारत अभी भी कोई प्रेशर नहीं लेने वाला। और जो पाकिस्तानी बहुत खुशियां मना रहे हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनको भी बता दूं कि देखो यार, तुम्हारा वजूद अफगानिस्तान की वजह से है। अगर तुम्हारे बगल में अफगानिस्तान नहीं होता तो तुम्हें कोई पूछता नहीं और डोनाल्ड ब्लूम कहीं नहीं जाता। ये सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है और ये मामला है कि भारत की वजह से पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अभी भी जो बात कर रहे हैं भारत को लेकर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को लेकर थोड़ा ना कर रहे हैं। कौन सी अमेरिकन कंपनी ने यह बोल दिया कि हम इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में हम फैक्ट्री डाल रहे हैं और वहां पर गाड़ियां बनाएंगे? कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि दिस होल कंट्री डब्बा बास्केट केस है, इधर कुछ नहीं होने वाला। तो यही है कि इसको खींचने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करो इसका। और मैंने बोला भी था अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, उनके वीडियोस में भी बोला था कि जब भी पाकिस्तान ने गोरे से हाथ मिलाया है, पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। वो पाकिस्तान की लालच की वजह से गिरी हैं, लेकिन फिर वो गोरे से हाथ मिला रहा है और फिर खुशी हो रही है कि हमारे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए। ताल्लुकात ठीक हो गए यानी कि तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे, यही तो ताल्लुकात। जब कोई भी पाकिस्तानी कहता है कि हमारे इस मुल्क से ताल्लुकात ठीक हो गए, इसका मतलब उसका ही वॉन्ट्स खजूर, दैट्स ऑल। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और मैं जल्दी आऊँगा एक और वीडियो लेके। मैंने बोला कि छोटा सा वीडियो बनाऊँ, आपको समझाऊँ कि ये क्या हो रहा है, और जल्दी से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। ये थोड़ी सी मेजर गौरव आर्य सर ने अपने मुल्क के बारे में, जहाँ आपको जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया कि कैसे गेम चल रही है, ये जर्मन, ये अपना अमेरिका, या ये कैसे काम करते हैं। मैंने इनकी वीडियो में जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये उलट गेम होती है, ठीक है। तकरीबन मैंने ये बोला था कि जो हमें दिखते हैं ना, एक्चुअली में वो गेम नहीं चल रही होती, बैकएंड पे कुछ और चल रहा होता। तो अमेरिका जो पंगे ले रहा है, ठीक है, जो ये अब हम बात इस पर आ जाते हैं। जर्मन की बात तो मैंने पिछले आपको जो मेजर गौरव आर्य सर की थी उस वीडियो में बता दी थी कि जर्मन ने अगर बोल भी दिया तो उखाड़ के लेगा, अमेरिका भी बोल देगा तो उखाड़ के लेगा। अमेरिका तो 1971 में नहीं इंडिया का कुछ उखाड़ सका, सुपर पावर थी तब भी, क्योंकि उस टाइम एग्जिस्ट करता था अपना सोवियत भी, अपना USSR भी था, तो वो भी सुपर पावर थी। तो दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में, तो उस टाइम नहीं इंडिया का ये अपना अमेरिका तो क्या, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों मिलके आए थे हमारे ऊपर हमला करने के लिए 1970 की वॉर में, 71 की वॉर में, ठीक है। तब नहीं ये हमारा कुछ उखाड़ पाए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं। आज ये कुत्तों की तरह रोते हैं कि तुम हथियार लेते हो, तुम वो लेते हो। अरे भाई हमारी मर्जी, जब हम मुसीबत में थे, आपको शायद पता होगा, पता भी होगा, मेरे को पता, इंडियंस को मोस्टली पता होता है, हम अमेरिका से हथियार मांगने गए थे।
हमने इनको बोला था कि हमें अपने हथियार बेचो, ये अमेरिका ने हमें हथियार नहीं दिए, इवन के हमें फ्रांस ने दिए थे थोड़े बहुत, लेकिन बाकियों ने सबने मना किया था मोस्टली उन्हें, जब हमने, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, तो हम अगर कहते थे कि ये चीज़ लेनी है इतने की दे दो, ये ड्रामा करते थे, ठीक है। पाकिस्तानियों को इन्होंने फ्री में दी है, एक तो इन्होंने जब 80s में आके इन्होंने अपने ये जहाज दिए थे ना इनको, F-16 दिए थे, ये जिद में आके दिए थे अमेरिका ने, क्योंकि इनकी बेइज्जती हुई थी 1971 की वॉर में, कि जब इंडिया ने इनका अच्छा बैंड बाजा बजा दिया था। इंग्लैंड और अमेरिका के शिप्स की आपस की कन्वर्सेशन आप सर्च मारना, इनके आपस में हुई थी, इनके जो शिप के कैप्टन वगैरह होते हैं इनकी आपस में हुई थी कि वी आर टू लेट, क्योंकि रशिया ने अपनी सबमरीन्स और अपने यहाँ पे जहाज जंगी बेड़े अपनी बंगाल की खाड़ी में उतार दिए थे इंडिया के, और उस टाइम उन्होंने सिर्फ यही ऑर्डर किया था कि चलाना चलूना कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ सबमरीन्स को ऊपर लेके आना है पानी के ऊपर, देख वो अपने लेंगे। और इतने डरपोक तीन कंट्री, आप सोचो तीन तीन कंट्री, इंग्लैंड फ्रांस ताकतें थी ये, अमेरिका, ये तीन तीन कंट्रियों के पिछवाड़े से पिछवाड़ा पीला हो गया इनका, कच्चे गीले हो गए इनके, जब सबमरीन्स ऊपर आई रशिया की, वो सारी न्यूक्लियर वॉर लेके घूम रही थी सबमरीन्स, और उनको पता था कि रशिया इनके पक्षरे उड़ा देगा। ये इसी वजह से पता क्या होता है, देखो रिलेशन ऐसे नहीं होते कि हमें बिल्कुल ही होता है, ये एक ट्रांजेक्शनल तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। रशिया में ना एक कहावत है, आप लोगों ने सुना है, 100 नए यार दोस्तों से ना एक पुराना दोस्त अच्छा होता है, मेरे को वो बहुत दिल पे लगी हुई है बात, मैंने आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले ये बात सुनी थी रशियन से, किसी मैं देख रहा था उस वहाँ पे चल रहा था, कोई इंडिया की बात चल रही थी, रशियनी टीवी था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, मैं वैसे ही देख रहा था ट्रांसलेशन में वो लिख के आया था, तो जब इंडिया की बात चली थी कुछ ऐसे ही चाइना के साथ कुछ था, ऐसे कुछ हुई थी, तो उसमें उस एनालिस्ट ने बोला था कि हमारे यहाँ पे कहावत है रशिया में कि 100 नए दोस्त से एक पुराना दोस्त ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमें भी यही है, हमें भी भूलना नहीं चाहिए। इंडिया वैसे भूलता नहीं किसी का एहसान, 1 रुपए का एहसान नहीं भूलता, और ना हम उसका एहसान रखते हैं, हम चुका भी देते हैं, रशिया का काफ़ी बार चुकाया, रशिया ने बहुत हेल्प की, सारी की सारी रशिया ने वीटो मारी है, सारी की सारी इंडिया के लिए, तो हम नहीं भूलते, हम बेगैरत लोग नहीं है, पोर्कियों की तरह थोड़ी हैं, इस थाली में मुँह मार लिया कुत्ते की तरह, उस थाली में मुँह मार लिया। अगर सबसे रशिया को भी पता कि इंडिया अपने बेनिफिट के लिए तो करेगा यार, रशिया को पता है वहाँ, वो रशिया जो कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर अपनी आवाम के लिए करना चाहे, उसको अपने को है, उसके इंडिया के साथ दिक्कत थोड़ी है। अब हम इनके पीछे लग के रशिया को बोलें कि ना तुम यूक्रेन के, हम इनके उल्टा बोलना शुरू कर दें, क्यों भाई, रशिया ने हमारा क्या बिगाड़ दिया, या रशिया ने कब कहा कि मैंने इंडिया की जमीन लेनी है, या रशिया ने कब कहा कि मैंने इंडिया पे हमला करना है, तुम तो आए थे अमेरिका वालों, तुम तो आए थे मरने यहाँ पे, ये जर्मन सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। तो मैं भाई लोगों एंड में यही कहना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ अपने दिमाग से सोचो, अपने आप को सबसे पहले नेशन फर्स्ट रखो। मैं ये नहीं कहता कि एहसान भूल जाओ, लेकिन रशिया भी हमारा सेकेंड आता है, पहले हमें अपना देखना होता है, हाँ, लेकिन व्यस्त की बातों में आके, ठीक है, हम रशिया को नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि रशिया को हम कहें कि ठीक है यार, उस टाइम अगर मैं एक बात बताता हूँ, उस टाइम अगर रशिया बीच में ना आता ना, तो बांग्लादेश लगना होता, और शायद हमारी कंडीशन आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, स्टेज पे कभी भी ना होते। रशिया ने इतनी हेल्प किया हमें, न्यूक्लियर प्लांट्स में हेल्प किया, टेक्नोलॉजी में हेल्प किया, सुखोई देख लो आप, यहाँ पे बनाना शुरू करवा दिया, तो ये होता है यार, आप कभी हिस्ट्री पढ़ना, रशिया को अब कहते हो ना बार्टर सिस्टम पता हो ना, जैसे वो एक के बदले एक चीज़ खाने के बदले, जहाँ उस चीज़ के बदले चीज़ के चीज़ले, कैश कैश नहीं, पैसा नहीं, उसके बदले हमने रशिया से हथियार लिए थे,
अपनी सेफ्टी के लिए। कौन करता है? मैं ये नहीं कहता कि हम फुली हो जाएं, हमें अपने आप पे ही होना पड़ेगा, लेकिन हमें वो चीजें नहीं भूलनी चाहिए। आप वेस्ट अपने मतलब के, प्योर मतलब ही है ये, प्योर मतलब ही इंसान, अपने मतलब के लिए इनको चाहिए कि मेरे साथ खड़े हो जाओ। मिस्टर गौरव सर ने बिल्कुल सही बोला कि हम पुर्किस्तान नहीं है कि तुम दो दो बुरकियां हमें आगे डालोगे तो हम तुम्हारे क्या कुत्ते की तरह दुम हिला के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे और इसराइल और रशिया या किसी और कंट्री को भूल जाएंगे जिसने हमारा उस वक्त साथ दिया था या आज तक साथ देता आ रहा है। रशिया ने 370 पे भी सीधा ठोक दिया था इनको कि इंडिया का इंटरनल मामला। और थोड़ा सा जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, देखो भाई थोड़ी बहुत ही ना, हमें ये पोर्कियों की तरह नहीं बनना है, थोड़ी बहुत ही स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। अब अमेरिका के साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि हम अमेरिका के साथ दुश्मनी कर लें, ये स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत तो आता रहता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट क्या करते हैं। होते तो सारे मतलब ही हैं। अमेरिका को आज हमने 400 लिया है, अगर इनका चाइना के साथ पंगा ना होता, सेंक्शन पक्की थी, पक्की सेंक्शन थी, कोई रोक के दिखा देता, लग जानी थी, समझे? तो ये कंट्री सब, अमेरिका वेस्ट, ये प्योर अपने बेनिफिट पे काम करते हैं, ना ये अफ्रीका को, ना ये अपना एशिया को, ठीक है, इनके मुफाद में कोई इन्होंने डिसीजन नहीं लेना होता, उन्होंने अपना देखना होता कि अगर मेरी दुश्मनी है तो सारी दुनिया की दुश्मनी हो उस मुल्क के साथ, ये चाहते हैं ये। अब क्योंकि डोमिनेट तभी होगा ना बंदा कि उसके साथ सारी कंट्री खड़े हो जाओ। तो इंडिया तो जब मेजर गौरव सर स्टारवेशन में थे, हम स्टारवेशन थी हमारे यहाँ पे भुखमरी 1971 की, हाँ उसके आसपास हमारे यहाँ पे बहुत बुरा हाल था इंडिया में, तब भी हमने लड़ाई लड़ी थी क्योंकि हमारे वहाँ से बांग्लादेशी छोड़ छोड़ के हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी आ रहे थे, हमें पता था कि हम और मरेंगे, उसको रोकने के लिए यूएन में देख लो हमने बोला भी था, अमेरिका को सब पता था, यूएन में हमने बोला भी था कि ये हमारे पास आ रहे हैं, जा तो इनको रोक लो नहीं फिर हम लड़ाई करेंगे, अमेरिका हमें धमकियां दे रहा था उस वक्त। तो सारे अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए करते हैं, और ये पुर्किस्तानी तो बिकाऊ माल है तो उनको पता है, तो वो सोचते हैं कि इंडिया भी शायद बिक जाएगा, लेकिन वो कल रीड करते हैं। तो हमें अपने देश के लिए स्टैंड करना है। तो यहां तक की वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको भी आई होप बहुत अच्छी लगी होगी बात। तो अगर आपको मेरा चैनल या मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने भाई का, हिंदुस्तानी भाई का साथ दो, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके और इन पुर्किस्तानियों जो बाहर के दुश्मन हैं, ठीक है, उसमें हम अपनी एक आवाज़ उठा सकें कि तुम गलत हो इस जगह पे, ठीक है, लोगों को एजुकेट कर सकें, पुर्किस्तानियों के दंड खट्टे कर सकें जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।